अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद। आज हम फोटोशॉप के अंदर जो प्रॉपर्टी बार है उसको हम देखने जा रहे हैं। मैंने एक न्यू लेयर क्रिएट की, कंट्रोल एन करके मैंने कंट्रोल जी करके जूम किया आपके लिए। ये प्रॉपर्टीज बार है, इसमें ये आपको हाइट, विड्थ और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ये किस जगह मौजूद है कैनवस, उसकी कैनवस की तमाम प्रॉपर्टीज दे रहा है। ये जो ऑप्शन है ये जो है एक आपको चेन नजर आ रही है जिसको हम बोलते हैं लिंक विद हाइट एंड विड्थ। मतलब ये कि अगर आप विड्थ को बढ़ाएंगे तो हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप हाइट को छेड़ेंगे तो विड्थ भी इसकी चेंज होती चली जाएगी। अगर ये लॉक है, इस टाइम अगर आप चेक करें तो ये अनलॉक हुआ है, अनलिंक हुआ है। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये डार्क हो गया, तो ये लिंक हो गया। और मैं यहाँ से अगर इसको बढ़ाता हूँ तो आप चेक करें, ये देखें ये भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। मैं 15 से इसको 20 करता हूँ, मैंने एंटर किया तो देखें ये गहरा हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं इसको खत्म करता हूं तो आप अब इसका हाइट विड्थ जो है वो चेंज करेंगे तो विड्थ का हाइट पे और हाइट का विड्थ के ऊपर असर नहीं होगा, ठीक है। ये देखें मैंने 10 के तो वैसे ही रही, तो यहाँ पर ये इसकी हाइट विड्थ चेंज हो रही है कैनवस की, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज बाहर है, तो इसमें मैं नीचे आता हूँ तो इसके मोड हैं जो कि हम नीचे भी देखे हैं। मोड कौन कौन से हैं, RGB और डिफरेंट। ये इसका फिल है कि कौन से कलर से आप फिल करना चाहते हैं, और इसका ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा इश्यू हो रहा है बटन के जरिए। ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की ऑप्शन मौजूद है आपके पास, ठीक है। और ये देखें इसको लैंडस्केप में कन्वर्ट कर दिया है इसने, सॉरी पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसके नीचे रूलर्स की ऑप्शन में मौजूद है, आपके पास रूलर्स भी आ सकते हैं और रूलर्स को आप गायब भी कर सकते हैं। यहाँ से आप ग्रिड्स की ऑप्शन मौजूद है, ग्रिड्स भी ला सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और गाइडलाइंस की और ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। और इसके अलावा जो है और बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं, ये देखें हमारे पास इसकी बॉर्डरिंग की ऑप्शन मौजूद है, बॉर्डरिंग कौन सी चाहिए आपको। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज बार, इसी तरह एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। डिफरेंट एडजस्टमेंट्स हैं हमारे पास, ये देखें ये कर्व्स हैं हमारे पास एडजस्टमेंट्स में आए। और भी आपके पास ये आपके ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट की ऑप्शन है, ठीक है। ये लेवल्स की ऑप्शन है और ये कर्व्स की ऑप्शन है। इसके अलावा एक्सपोजर्स की ऑप्शन है और डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा लाइब्रेरीज में आए तो डिफरेंट लाइब्रेरीज भी आपके पास यहाँ पर मौजूद होती हैं। इंशाल्लाह वन बाय वन कभी प्रोफेशनल यूज देखेंगे। ये जस्ट ओवरव्यू था, ओवरव्यू के बाद इंशाल्लाह इनको डिटेल्स में भी देखेंगे। ये था हमारे पास जनाब प्रॉपर्टीज का पैनल। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से खत्म करता हूँ और आते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर। प्रॉपर्टीज के अंदर आकर एक छोटी सी चीज और बतानी है आपको, बैकग्राउंड पे चेक कीजिएगा। यहाँ पर जो है ना हमारे पास रिमूव बैकग्राउंड की और सिलेक्ट सब्जेक्ट की ऑप्शंस मौजूद है प्रॉपर्टीज के अंदर। ये याद रखिएगा, इस पर एक अलग से लेक्चर होगा और करके दिखाऊंगा तब आपको ये चीज पता चलेगी, सिलेक्ट सब्जेक्ट और रिमूव बैकग्राउंड क्या होता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।